क्या आपको पता है कि कमोड का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है? क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा आइडिया आया है कि क्यों ना आज इंसानियत को डाल देता हूँ डस्टबिन में और अपने सारे महीने के राशन को कमोड में? अगर आपका जवाब है नहीं, तो बेशक आप दिमागी हालत से सही हैं। कंग्रेचुलेशंस। एक दिन यूट्यूब शॉर्ट्स देखते देखते मेरे सामने ये शॉर्ट आ गया। पहले आई वाज लाइक ये क्या बवासीर है, लेकिन फिर उसके बाद मुझे पता चला कि भाई साहब इनका तो पूरे चैनल ही कमोड पे चल रहा है। मतलब तुम खुद सोचो, इन्होंने अपने पूरे कैरियर के नितंबों का भार अपनी कमोड पे डाल दिया। वाह क्या लाइन है। और अगर कोई इनसे ये पूछता होगा कि what do you do for living, तो ये क्या बोलते होंगे कि basically we put stuffs in a round shaped dome like object and then we discard those stuffs। और अपनी देसी भाषा में बोले तो कमोड में चीजें फ्लश करते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। तो तुमने मोटिवेशनल स्पीकर्स को ये बोलते हुए तो सुना ही होगा कि जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है तो दुनिया से कुछ अलग सोचो। तो मुझे ये लोग वहीं से इंस्पायर्ड लग रहे हैं। मतलब कुछ ज्यादा ही अलग नहीं हो गया? अलग सोचने की दिशा किस जगह जा रही है वो भी तो देखना था। मतलब कुछ भी। तुम्हें अंडे का पंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। एक बात तो माननी पड़ेगी कि आज से पहले मैंने कभी भी इतने महंगे सस्ते नशे नहीं देखे। इनकी इस अचीवमेंट को तो गन्ना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सुनहरे अक्षरों में लिखना चाहिए। नहीं एक बात बताओ तू मुझे, ये प्राणी उस चॉकलेट को लेके टेबल पे, बिस्तर पे, किचन में भी तो बैठ के खा सकता था, कमोड के बगल में ही क्यों? मुझे तो लगता है इन्होंने वीडियो बनाने से पहले लॉजिक, कॉमन सेंस, दिमाग सब कुछ फ्लश कर दिया उसी कमोड में। और लिटरली ये बंदा अपने वीडियोस में किसी भी चीज को फ्लश कर सकता है। बॉल, ऑर्बिस, जेम्स, खिलौने, कोल्ड ड्रिंक, पैसे, चॉकलेट, बच्चा, बच्चा। It's filling up. Wow. It's filling up. Yeah, get some ice in the punch. Oh, nice. Not the punch. Here, one for you. How'd you make it? The toilet bowl punch recipe. I think I'm good. Oh, no, I cleaned the toilet before I made it. नहीं, लड़की इस लाइन को बोलते वक्त क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? कि गेस्ट ये बोलेंगे, अच्छा आपने टॉयलेट साफ किया था, ठीक है। वाह भाभी जी, मजा ही आ गया, आपने तो हमें धरती पर स्वर्ग दिखा दिया। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ब्रेन इन टॉयलेट। आज हम आपको अपने वीडियोस बनाने की प्रक्रिया बताएंगे। पहला स्टेप, हमें चीजों को कमोड में फ्लश करने से पहले अपना लॉजिक, कॉमन सेंस और इंसानियत को फ्लश कर देना है। दिमाग को फ्लश करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास होता ही नहीं। दूसरा स्टेप, हमें अपना शिकार ढूंढना है जो है मासूम बच्चे। मासूम बच्चे इसलिए क्योंकि वो अपनी चीजें फ्लश करने के लिए आसानी से दे देते हैं, बस इनमें कुछ ही एक्सेप्शंस होते हैं, पर हम इनसे निपट लेते हैं। फिर आता है आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, हमें खुद को बहुत ही एक्साइटेड दिखाकर चीजों को फ्लश कर देना होता है या उसे खा लेना होता है। इसके बाद आप सर्टिफाइड पगलेट बन जाते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर। अभी अंग्रेजों को देख के कुछ इंडियन यूट्यूबर्स इंस्पायर ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं, क्यों घर की सारी चम्मचे थैनोस अपने हाथों में लगा के घूम रहा था या उर्फी ने उनसे ड्रेस बना ली थी? नहीं मतलब तुम्हें भी पता है कि कितना डिस्गस्टिंग वीडियो है, लेकिन फिर भी तुम्हें यही काम करने होते। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लेना जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाय बाय। मेरा भाई का तो पकौड़ा अटक जाता है, इन्होंने कौन सी पाइपलाइन लगाई है जो सब कुछ फ्लश कर देती है।